दोस्तों, हमारी धरती पर करोड़ों जीवों की प्रजाति हैं, जिसमें से कई विलुप्त हो गई हैं और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन हम एक ऐसी प्रजाति की बात कर रहे हैं जिसका आज अंत हो गया है। इस प्रजाति के जीव हाथी के बाद दूसरे सबसे बड़े स्तनधारी जीव थे। इस जीव का नाम नॉर्थन वाइट राइनो है, जो गैंडे की एक प्रजाति है। ये गैंडे पिछले 55 मिलियन वर्षों से धरती पर मौजूद हैं। जब डायनासोर का अंत हुआ, उसके कुछ समय बाद धरती पर नॉर्थन वाइट राइनो प्रजाति का उदय हुआ था। पिछले 5.5 करोड़ सालों से यह प्रजाति खुद को भूकंप, बाढ़, एस्ट्रॉइड, असंख्य जलवायु परिवर्तन आदि घटनाओं से सर्वाइव करती आई है, परंतु इंसानों से यह खुद को सर्वाइव नहीं कर पाई। नॉर्थन वाइट राइनो एक विशाल जीव था और देखने में भी भयानक था, लेकिन यह एक शांतिप्रिय जीव था और इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं था। अंतिम नर राइनो की मौत 2018 में हो गई थी और आज अंतिम मादा नॉर्थन वाइट राइनो की भी मृत्यु हो गई, और इसी मृत्यु के साथ इस महान जीव की प्रजाति के युग का अंत हो गया है। इस महान जीव की विलुप्ति का कारण भी हम इंसान ही हैं, क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ के लिए इनका शिकार करता गया और ये धीरे धीरे कम होते गए और आज ये पूरे ही खत्म हो गए हैं। गैंडे की इस प्रजाति को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की। उन्होंने जब अंतिम दो मादा बची तब उन्हें अन्य प्रजाति के नर गैंडों के साथ रखा, परंतु वे इन्हें बचाने में नाकाम रहे। अब वर्तमान में गैंडे की सिर्फ एक प्रजाति बची है, जिसका नाम साउथर्न वाइट राइनो है। इसकी प्रजाति के अभी भी 20,000 गैंडे मौजूद हैं, लेकिन इनका भी बहुत अधिक तेजी से शिकार हो रहा है, क्योंकि इसके सींगों की कीमत करीब $50,000 है। इंसान के स्वार्थ के कारण कई प्रजाति विलुप्त हो चुकी हैं और कई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसीलिए सेव एनिमल्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल धाकड़ स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।